बिहार में बीजेपी का दामन छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भगवा दल ने बड़ा झटका दे दिया है। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के एकमात्र विधायक तेकी कासो गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में अपने समर्थकों के साथ आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए। अरुणाचल प्रदेश में कई जिला परिषद अध्यक्ष और सदस्य भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नड्डा ने पार्टी में उनका स्वागत करते हुए एक ट्वीट में कहा, कासो और अन्य नेताओं के शामिल होने से संगठन और मजबूत होगा। नड्डा ने आगे कहा कि प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे सभी नेता बीजेपी की विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तेकी कासो के आने के बाद 60 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने 2019 के अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें 7 सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी। वो बीजेपी के बाद राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 41 सीटें जीती थी। हालांकि 25 दिसंबर 2020 को जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। विपक्षी दल कांग्रेस और बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनपीपी के विधानसभा में 4-4 विधायक हैं, जबकि 3 विधायक निर्दलीय हैं, जो सत्तारूढ़ दल को समर्थन दे रहे हैं। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ दामन थाम लिया था और एक नई सरकार का गठन किया। इस प्रकरण के बाद से दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।